एवरीवन, मैं विनय चंद्र फिर से एक बार आपके लिए एक म्यूज़िक का एक नया लेसन लेके आया हूँ। और जो हमारा आज का लेसन है वो है मेट्रोनोमी बीट्स के ऊपर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। और आज हम उसी बीट्स में तीन अलंकार, जो कि नए अलंकार होंगे, उनको हम मेट्रोनोमी बीट्स में बजाना सीखेंगे। आई होप कि आपने पिछली वाली जो सरगम है उन्हें मेट्रोनोमी बीट्स में बजाने की प्रैक्टिस करी है और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो आज का लेसन है तो हम उसको आगे कैसे, हम जो हमारी आगे आने वाली सरगमें हैं उनको हम कैसे मेट्रोनोमी बीट्स के साथ मैच करेंगे, टाइमली हम कैसे बजाएंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको मेट्रोनोमी बीट्स में दो अलंकार करने को दिए थे, जो थे हमारे, एक अलंकार, दूसरा अलंकार था हमारा अब आपको क्या करना है, जो हमारा ये बीट है आपने मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है और आप टाइम को समझ चुके हैं, 1 2 3 4 क्या हो रहा है और हम उसे कैसे प्ले कर रहे हैं। जो अब आपको प्रैक्टिस करनी है वो है हमारी थर्ड अलंकार की। थर्ड अलंकार में आपको करना क्या है, तीन बार हमारा जो सारे गामा हम बजा रहे हैं तीन बार बजना है। अब उसमें सा 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 रे 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 ग ग ग आपको मेट्रोनोमी बीट्स में ही उसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, आप देखिए, आपको समझ आने लगा होगा, जैसे जैसे आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को समझ आने लगेगा। अब मैं आपको एक बार फिर से वैसे बता देता हूँ, सा 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 रे रे रे, आपको एक स्केल को तीन बार बजाना है। पहले आपने एक बार बजाया, फिर दो बार बजाया, आपको तीन बार बजाना है। फिर आप आते हैं चौथे अलंकार में। चौथे अलंकार में क्या होता है, हम तीन स्केल को एक साथ ले लेते हैं, फिर जो एक स्केल आगे वाला होता है हम उसे छोड़ देते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने तीन स्केल एक साथ लिए, सारेगा सारेगा, अब मैं सा को छोड़ के रे से स्टार्ट हो जाऊंगा रे गा मा, अब रे को छोड़ के मैं गा से स्टार्ट होगा गा मा पा, वैसे ही आगे बढ़ते जाए मा पा धा पा धा नि धा नि सा सा नि धा नि धा पा मा पा मा गा मा रे गा रे सा। तो आपको इसकी स्किल की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके दे दूंगा और आपको ऐसे अपनी नोटबुक्स में भी उतारना है ताकि आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। आप कंफ्यूज मत होना, आपको अपने कोई से भी ऑक्टिव से बजाना है, जैसे कि ये ब्लैक ऑक्टिव एक हो गया है, तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, और मैं क्या कर रहा हूँ थर्ड ऑक्टिव से बजा रहा हूँ, मतलब सफ़ेद से बजा रहा हूँ मैं। पहला काला तो ये हो गया, सफ़ेद जो है ये पहला है, तो मैं यहाँ से बजा रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी जो पांचवी सरगम है वो है चार शब्दों को उठाना, चार स्केल अलंकार को उठाना, जैसे कि सारे गामा एक साथ बजाना है आपको। अभी आपने तीन बजाए थे एक साथ सारे गा, अब हो रहा है सारे गामा, अब चार हम स्केल एक साथ उठा रहे हैं। हमने पहले यहाँ पे तीन उठाए थे मगर वो एक ही स्केल था, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा। फिर हम वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ रहे हैं, जब जैसे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा रे गा रे सा, ठीक है। अब हम चार, जो चार स्केल हैं हमारे, जो चार हमारे स्वर हैं, हम उनको आपको एक साथ बजाने, देखिए कैसे सारे गामा सारे गामा। तो आपको अब जो पांचवी आपकी जो अलंकार है सरगम में, आपको वो कैसे बजानी है मैं बताता हूँ। अब हम चार स्वरों को एक साथ ले रहे हैं सारे गामा, पहले हम तीन स्वर ले रहे थे जैसे सारे गा, अब हम ले रहे हैं सारे गामा, फिर आया है रे गामा पा गम गामा पा धा पधनी पधनी सा। तो चार स्वरों को एक साथ बजाना आप लोगों को, ऐसे ही आपको मेट्रोनोमी में करना है, कैसे जो आपने करा था। अब देखिए थर्ड सरगम है
सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 सा सा सा। वैसे आपको डिसेंडिंग आना है। अब आपको चौथी सरगम सा रे ग रे ग म ग म प म प ध। पहले आपको विदाउट मेट्रोनोमी के कर सक करना आप पहले एक बार विदाउट मेट्रोनोमी के करना। कैसे? सारे का धीरे धीरे एकदम सारे का रे का मा गा मा पा मा पा धा। फिर आप पांचवी सरगम सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी। आपको इस तरीके से अपना मेट्रोनोमी में प्रैक्टिस करनी है जो टाइमली आपको सीखने को मिलेगा। और अपनी इन पांच अलंकार को अपनी नोटबुक्स में आप लोग लिखेंगे और इसकी मेट्रोनोमी बीट्स में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज का आपका इतना लेसन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।